हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। चैनल है सैनी लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेलुएशन। देखो, आपका मेनली जो डिफरेंस आते हैं, जो ये पूरे असेसमेंट पेपर के अंदर आपके डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अभी हमने डिफरेंस जो कवर किया था, फॉर्मेटिव एंड समेटिव हम कवर कर चुके हैं। आज हम आपका डिस्कस करने वाले हैं असेसमेंट एंड इवेलुएशन, ठीक है। तो इसमें भी आपका डिफरेंस वो पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आपका लेसन, द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेलुएशन। देखो, द फर्स्ट पॉइंट इन असेसमेंट इज, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिवाइविंग एंड यूजिंग डाटा फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द करंट परफॉर्मेंस। भाई, मेनली जो आपका असेसमेंट यूज़ किया जाता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है, टू इम्प्रूव द करंट परफॉर्मेंस, यानी कि जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको रिव्यू करेंगे और फिर जो स्टूडेंट है उसकी परफॉर्मेंस में हम इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो मेनली जो असेसमेंट होता है वो यूज़ होता है, या उसका पीछे का जो मोटिव है वो क्या है, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट, या फिर किसी की भी परफॉर्मेंस को, जो उसकी करंट परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना जो काम है वो आपका किसका है, असेसमेंट का है, ठीक है। अब आते हैं इवेलुएशन पे। सो इवेलुएशन इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट। भाई, जो इवेलुएशन है वो क्या है, वो डिस्क्राइब किया जाता है एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट, यानी कि इसमें आप क्या करते हो, जजमेंट पास करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। मान लो आपने कोई भी सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स यहाँ पे डिसाइड कर लिए, जैसे कि आपका 60% पे फर्स्ट डिवीज़न हमने क्या कर दी, डिसाइड कर दी, ठीक है। तो आपने एक स्टैंडर्ड लगा दी कि 60% पे ही आपकी फर्स्ट डिवीज़न आएगी, तो वो क्या है, इसके बेसिस पे जो आप अपना जजमेंट दे रहे हो, ठीक है, वो क्या है, आपका इवेलुएशन है। सो इवेलुएशन इज़ एन एक्ट ऑफ पासिंग जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसके बेसिस पे यहाँ पे क्या होता है, जजमेंट वो पास करते हैं, जैसे कि हमारा रिपोर्ट कार्ड जब आता है, ओके। सेकेंड पॉइंट इन असेसमेंट इज, दिस असेसमेंट इज़ डायग्नोस्ड इन नेचर। जो असेसमेंट होता है वो डायग्नोस्ड इन नेचर होता है। मेनली डायग्नोस का मीनिंग क्या है, कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स का या वीकनेस एंड स्ट्रेंथ पॉइंट का हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। अब हम अपने स्कूल पे जाते हैं, ठीक है, जो टीचर है वो आपके टेस्ट ले रही है, ठीक है। टेस्ट क्यों ले रही है, भाई वो जान सके कि आपको कितना समझ में आया, आपका कौन सा टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है और कौन सा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है, और किस मेथड को उसको इम्प्रूव करना है, किस मेथड को उसको कैरी ऑन करना है, इन सब का वो कैसे रिव्यू करेगी, इन सब का वो आपके टेस्ट लेकर के ही तो रिव्यू करेगी ना। सो इसमें वो क्या कर रही है, अपने वीक एंड अपने स्ट्रेंथ पॉइंट्स को क्या कर रही है, डायग्नोस कर रही है, ओके। ऐसे ही स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो भी अपने वीक एंड अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं। अब आते हैं इवेलुएशन पे। सो इवेलुएशन इज़ जजमेंटल इन नेचर। जो मेनली इवेलुएशन है वो क्या होता है, जजमेंटल इन नेचर होता है, कि एक बार जो रिज़ल्ट आ गया, ठीक है, किसी के अगर 50% आए हैं, 33% आए, अगर वो रिज़ल्ट आ गया तो वो आ गया, वो पूरा आपका रिपोर्ट कार्ड बन गया, उसके अंदर आप कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हो अब, ठीक है। असेसमेंट जो होता है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। सो असेसमेंट इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस, कि ये क्या, ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा जब तक आपकी जो वो बिहेवियर चेंज या जो आपके अंदर इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो ना मिल जाए, ठीक है। लेकिन इवेलुएशन क्या होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस होता है, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट बनाने के लिए जो बीच की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोल सकते हैं, असेसमेंट बोल सकते हैं, और जैसे ही वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, इवेलुएशन बोलते हैं, यानी कि जो प्रोडक्ट आता है, यानी कि जो रिज़ल्ट आता है वो क्या आपका इवेलुएशन है, ओके। सो द असेसमेंट इज़ मेन पर्पस इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि असेसमेंट का मेन पर्पस क्या है, इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि आपकी जो
क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने, यानी कि जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने का काम कौन कर सकता है? आपका असेसमेंट कर सकता है। असेसमेंट के टाइम पे आप अपनी जो वीकनेस है, जो आपने स्ट्रेंथ पॉइंट है, उनको क्या कर सकते हो? इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन इवेल्युएशन के टाइम पे क्या होता है? इवेल्युएशन इज टू जज द परफॉर्मेंस। जो इवेल्युएशन होता है वो मेनली जज करने के लिए होता है, आपकी परफॉर्मेंस के लिए। ओके, अब आते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स पे। सो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ प्रोसेस ओरिएंटेड, यानी कि जो असेसमेंट है वो प्रोसेस ओरिएंटेड है। जैसे कि अभी हमने एक प्रोडक्ट की बात की थी, ठीक है, तो प्रोडक्ट में क्या था, आपको कोई प्रोडक्ट फॉर्म करना है, तो उस प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए आपने क्या किया, जो बीच में जो प्रक्रिया चली, भाई आप उसका रॉ मटेरियल लेके आओगे, ओके, फिर उसके बाद उसकी जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करोगे, तो ये जो पूरा जो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, जो उसके प्रोसेस फॉलो करने, जो यानी कि जो प्रोडक्ट बनने से पहले का जो प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है वो क्या है, आपका असेसमेंट है। सो असेसमेंट इज़ ए प्रोसेस ओरिएंटेड, और जो आपका इवेल्युएशन है वो क्या होता है, आपका प्रोडक्ट ओरिएंटल होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, द आउटकम ऑफ असेसमेंट इज़ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। भाई इसके अंदर क्या मिलते हैं, आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स मिलते हैं, ठीक है। अब टीचर अगर आपको वीकली टेस्ट ले रही है या यूनिट वाइज टेस्ट ले रही है, तो वो आपको एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आपको हर एक लेवल पे देती जाएगी, ठीक है, कि आपकी परफॉर्मेंस लो है या हाई है, ठीक है, इस तरह से वो आपको फीडबैक देगी। लेकिन इवेल्युएशन के टाइम पे क्या होता है, दी आउटकम ऑफ इवेल्युएशन इज शॉर्ट कमिंग्स, यानी कि ये क्या करता है, इवेल्युएशन आपकी जो कमियां हैं उनको दर्शा देता है, ठीक है। इवेल्युएशन में आप अपना जो, आपको यहाँ पे कोई फीडबैक नहीं दिया जाएगा, आपकी जो कमियां हैं वो कमियां ही हैं, ठीक है, यानी कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड, अगर आप उसमें फेल हो गए तो आप फेल ही हो, ओके, उसको बोलते हैं हम इवेल्युएशन। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, असेसमेंट इज़ फॉर्मेटिव इन नेचर, यानी कि जो असेसमेंट है वो फॉर्मेटिव होता है और जो इवेल्युएशन है वो सबमिटिव होता है। देखो, फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव का बहुत सिंपल सा एक मीनिंग है। फॉर्मेटिव यानी कि इसमें आप टुकड़ों में क्या कर रहे हो, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर रहे हो टुकड़ों में, आपको यहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको फीडबैक्स मिल रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे यूनिट टेस्ट जो होते हैं, आपके वीकली टेस्ट जो होते हैं, उन सबको मिला करके जो आपकी परफॉर्मेंस के अंदर इम्प्रूवमेंट होता है वो होता है आपका फॉर्मेटिव, ठीक है। अब आते हैं सबमिटिव। सबमिटिव यानी कि जो आपने पूरे साल भर जो किया या कुछ नहीं किया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, जो लास्ट के पेपर में, यानी कि जो आपके फाइनल एग्ज़ाम में जो आप लिख के आए हो, जो आप एक्सटर्नल एग्ज़ाम के अंदर जो लिख के आए हो, ठीक है, उससे जो आपके मार्क्स आए हैं हमें उससे मतलब है, सबमिटिव आपका ये कहता है, यानी कि ओवरऑल सम जो है आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन का वो क्या है, आपका सबमिटिव है, ठीक है, वो किसका है, पार्ट है आपका इवेल्युएशन का। ओके, यानी कि जो इवेल्युएशन होता है वो सबमिटिव होता है और जो असेसमेंट होता है वो फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव एंड सबमिटिव के बीच में हम डिफरेंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो आप प्रीवियस वीडियोस मेरी देख सकते हैं इससे रिलेटेड। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ एब्सोल्यूट इन नेचर, यानी कि जो असेसमेंट है वो एब्सोल्यूट इन नेचर होता है, ठीक है, और जो इवेल्युएशन है वो कंपैरेटिवली इन नेचर होता है, यानी कि इसमें आप क्या करते हो, इवेल्युएशन में क्या करते हो, देखो एब्सोल्यूट का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि असेसमेंट में आप क्या कर रहे हो, आप खुद की अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हो, यानी कि इंडिविजुअली मेरे लिए ये क्या है, मेरे लिए ये एक असेसमेंट है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव कर रही हूँ, कैसे डाउन कर रही हूँ, ठीक है। इवेल्युएशन क्या है, इवेल्युएशन कंपैरेटिवली है, इसमें हम क्या करते हैं, अब जैसे हमने एक रिजल्ट की बात की थी, सब लोग ने स्कूलिंग की होगी, तो स्कूलिंग के टाइम पे क्या होता है, कुछ बच्चे फर्स्ट आते हैं, कुछ सेकंड आते हैं, कुछ थर्ड आते हैं, ठीक है, कुछ नीचे से फर्स्ट आते हैं, नीचे से सेकंड आते हैं, नीचे से थर्ड आते हैं, तो ये कैसे डिसाइड होता है, अब पूरी क्लास में इसको डिसाइड करने के लिए जो बच्चे हैं, यानी कि जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे वो फर्स्ट होगा और जिसके सबसे लोवेस्ट मार्क्स होंगे वो नीचे से फर्स्ट होगा, समझ में आ रही है बात। तो यही जो इवेल्युएशन है, तो ये इवेल्युएशन हम किसके बेसिस पे कर रहे हैं, या तो हम कुछ स्टैंडर्ड्स यहाँ पे फिक्स कर दें, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी कि एक स्टूडेंट का दूसरे स्टूडेंट से कंपैरिजन करके हम यहाँ पे पोजीशंस डिसाइड कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इन द क्लास। ओके,
फिर आते हैं असेसमेंट के अंदर नेक्स्ट पॉइंट, द रिलेशन बिटवीन टू पार्टीज इज रिफ्लेक्टिव, यानी कि जो असेसमेंट के अंदर जो रिलेशन होता है दो पार्टीज़ के बीच में, ठीक है, या तो आप स्टूडेंट एंड टीचर की यहाँ पे बात कर लो या दो स्टूडेंट्स की बात कर लो, ठीक है, यानी कि जो भी आपको इस प्रोसेस में जो आपको फीडबैक दे रहा हो आप उन दो के रिलेशंस के अगर हम यहाँ बात करेंगे, ठीक है। अब जो इनके बीच में जो रिलेशंस है यानी कि जो टीचर है वो जो स्टूडेंट है, जो टीचर है वो जो स्टूडेंट है, उनके बीच में जो रिलेशन है वो मेनली क्या है आपका रिफ्लेक्टिव इन नेचर है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका जो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आ गया है वो क्या आपका रिफ्लेक्टिव है, ओके। रिफ्लेक्टिव का मीनिंग क्या होता है कि इंटरनली डिफाइंड क्राइटेरिया या गोल्स, यानी कि जो आपने खुद के लिए जो क्राइटेरिया या गोल्स आपने तय किए हैं वो क्या है आपका इंटरनली डिफाइंड क्राइटेरिया या गोल्स जो आपने तय किए हैं वो है आपका रिफ्लेक्टिव रिलेशनशिप, ठीक है। यानी कि आपने जो टीचर्स एंड स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशन यहाँ पे हो रहा है वो क्या आपका रिफ्लेक्टिव रिलेशन है। इसका मेनली मीनिंग क्या है, देखो सिंपल वर्ड्स में अगर हम आपको मैं बात बताऊँ, देखो एक मान लो आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो जो स्टूडेंट है वो डिफाइंड क्राइटेरिया या गोल्स को सेट करता है खुद के लिए भी। आपका आपका जो गोल है, आपका गोल है आपको एक यूनिट पढ़नी है, ठीक है, तो उस यूनिट का जो आपको टेस्ट ले रही है जो टीचर है, तो जो टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में मान लो आपने आपकी टीचर ने आपको बोला कि भाई आपको 60-80% आपको इसके अंदर आपके आने चाहिए, ठीक है, तो आपने उसके अंदर इतनी मेहनत करी उतने आपके मार्क्स आए, ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका रिफ्लेक्टिव इन नेचर, यानी कि जो आप इंटरनली जो आपने क्राइटेरिया अपने लिए खुद के लिए जो तय किया है, जो गोल आपने खुद के लिए जो तय किया है वो क्या है आपका रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। लेकिन इवेल्युएशन में ऐसा नहीं होता है, जो इवेल्युएशन है उसके अंदर जो रिलेशनशिप होता है दो पार्टीज़ के बीच में, ठीक है, उस वो क्या होता है प्रोस्पेक्टिव होता है, यानी कि जो एक्सटर्नली इम्पोज स्टैंडर्ड्स होते हैं, इसका सिंपल मतलब है 60% पे फर्स्ट डिवीज़न है आपकी, ठीक है, लेकिन क्लास के अंदर ऐसा कुछ हमने तय नहीं किया था, हम अपने लिए जो आपको अपने मन की जो इच्छा है, मान लो आपकी आपको लगता है कि भाई मैं 55% मेरे आ गए, मैंने बस पता नहीं क्या कर लिया, सो मेरे लिए वो बहुत हैं, ठीक है, वो इंटरनली जो आप अपने लिए क्राइटेरिया या गोल आपने फिक्स किया है वो आपका किस में आ गया है, वो रिफ्लेक्टिव के अंदर आ गया है, यानी कि असेसमेंट के अंदर आ गया। लेकिन इवेल्युएशन में जो दूसरों ने आपके लिए तय किया है, यानी कि जो स्टैंडर्ड्स आपके तय हुए हैं, जो कि आपका ओवरऑल रिजल्ट जो बनाएंगे, ठीक है, वो क्या है आपका प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, ठीक है, यानी कि जो एक्सटर्नली इम्पोज स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या हैं आपके प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, यानी कि इसमें जो रिलेशन आ रहा है दोनों पार्टीज़ के बीच में वो प्रोस्पेक्टिव आ रहा है, उसमें स्टैंडर्ड्स आपके यानी कि जो नॉर्म्स है वो सेट होते हैं, ठीक है, 60 पे फर्स्ट पोजीशन है तो उस पर फर्स्ट पोजीशन ही मिलेगी, चाहे आपके 59.9% ही क्यों ना हो, ओके। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे, इट इज़ फ्लेक्सिबल इन नेचर, भाई जो असेसमेंट है वो मेनली क्या होता है फ्लेक्सिबल होता है, कैसे फ्लेक्सिबल है, देखो आप अपने वीकली टेस्ट ले रहे हो, यूनिट वाइज टेस्ट ले रहे हो, ठीक हो, आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है, नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है, यानी कि आप इसमें क्या कर रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको कभी पॉजिटिव भी फीडबैक मिल सकता है, कभी नेगेटिव मिल सकता है, ठीक है, यहाँ क्या है फ्लेक्सिबल है, आपका रिजल्ट भी यहाँ पे फ्लेक्सिबल रहेगा, ठीक है, कभी आपके मे बी 90% आ जाए, कभी आपके 50-60% आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो असेसमेंट जो हो रहा है इस पूरी प्रोसेस के अंदर, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करते हैं तो कहीं हमसे गलतियाँ होती हैं, कोई आपके जो परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट भी होता है, तो जो उतार चढ़ाव जो हो रहा है वो असेसमेंट के अंदर, यानी कि जो फ्लेक्सिबल है, लेकिन इवेल्युएशन किया है वो फिक्स्ड है, भाई आपकी परसेंटेज अगर 60 आ गई या 80% आ गई आपके रिजल्ट के अंदर तो वो फिक्स रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होने वाली है, या तो उसके लिए आप दोबारा से पेपर दो, या दोबारा से उस क्लास को आप उस क्लास में जाके दोबारा से आप अपना पूरा कोर्स को दोबारा से करो, तब जाके तो हो भी सकता है, यानी कि आपका एक साल और वेस्ट हो जाएगा,
लेकिन अगर रिज़ल्ट के अंदर आपका लिखा गया भाई इतने मार्क्स हैं आपके, तो वो इतने ही रहेंगे, ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे, चाहे आपको कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो। ओके, तो जो इवैल्यूएशन होता है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, आप इसको रिपोर्ट कार्ड से समझ सकते हो, फिक्स्ड होता है। सो मेनली आपने इन दोनों में डिफरेंस देखा, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ठीक है। अब एक लास्ट एक कंक्लूजन इनका देखते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एक छोटी सी दो लाइन्स इसके बारे में बता दूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से और समझ में आ जाए। देखो, जैसे कि हमने बात की थी असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, तो इसका पहला पॉइंट ही क्या है, इसका मेन पर्पज़ क्या है, टू इम्प्रूव द करंट परफॉर्मेंस। यानी कि असेसमेंट का मतलब ही होता है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते जाना, ठीक है। यानी कि जो आपने आपकी जो टेस्ट कॉपी, अच्छा आपने सुना होगा टेस्ट कॉपी बनाओ, टेस्ट कॉपी बनाओ, टेस्ट कॉपी बनाई क्यों जाती है, जिससे आप अपना असेसमेंट कर सको कि आपके पिछले टेस्ट में इतने मार्क्स आए थे, तो आपको उससे ऊपर अपने मार्क्स लाने, अपने आप को खुद को इम्प्रूव करना है, इसलिए आपकी टेस्ट कॉपीज़ बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम है जो कि आपका फ्यूचर तय करने वाला है कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले पाओगी या नहीं ले पाओगी, वो क्या है आपका इवैल्यूएशन है, जो कि जजमेंटल है आपके पूरे फ्यूचर के लिए भी, ठीक है, जिसमें एक जो स्टैंडर्ड्स है, जो क्राइटेरिया है वो सेट है। अब जैसे एग्ज़ाम्स भी होते हैं आपके, ठीक है, ICER नेट है, CSIR नेट है, उनके अंदर भी फिक्स क्राइटेरिया होता है कि भाई इतनी नंबर ऑफ परसेंटेज आपकी है, ठीक है, या इतने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हमने लेना है और इतने नंबर ऑफ परसेंटेज आपकी गई है पासिंग के लिए, तो वो फिक्स्ड होती है, उसमें कोई ऊपर नीचे हम नहीं कर सकते हैं, वो क्या है आपका इवैल्यूएशन है, जो कि जजमेंटल होता है। ओके, उसको उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि आपने कितना पढ़ रखा था, कितना नहीं पढ़ रखा था, जो आप लास्ट के एग्ज़ाम में करके आए हो वो ही क्या आपका फाइनल रिज़ल्ट है, ठीक है, वो क्या आपका इवैल्यूएशन है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं इसके कंपैरिजन वाले पार्ट पे, कि कंक्लूजन वाले पार्ट पे, कि हमने ओवरऑल क्या लिखना है लास्ट में और हमने क्या सोचा, ठीक है। देखो, हाउएवर इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट आर बोथ यूज्ड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। भाई देखो, हमने देखा है कि इवैल्यूएशन और असेसमेंट मेनली किस लिए यूज़ किए जा रहे हैं, रिव्यू करने के लिए परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल की अगर हमें परफॉर्मेंस देखनी है, तो उसको रिव्यू करना है, तो आपको इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। बट These two terms are used in completely different context. लेकिन दोनों terms का meaning क्या है, different है भाई। दोनों का काम तो क्या है, review करना performance को, लेकिन दोनों ही क्या है, दोनों terms का मतलब ही यहाँ पर अलग अलग है। Assessment का मतलब क्या है, assessment is a constructive feedback, जो कि आपको constructive feedback आपको देता है, वो क्या है आपका assessment है, जिसके पीछे का पर्पस क्या होता है, टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, यानी कि इम्प्रूव करना परफॉर्मेंस को, वो क्या है आपका पर्पस है, किसके पीछे, आपके असेसमेंट के पीछे, ठीक है। लेकिन वेयर एज इवैल्यूएशन इज डन टू जज द एबिलिटीज़ ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि जो इवैल्यूएशन है वो मेनली किया जाता है जज करने के लिए क्या abilities of individual, ठीक है, यानी कि ये मेनली जजमेंटल डिसीजन होता है, जो कि abilities तय करता है किसी भी individual की। और system to pass judgment, यानी कि ये एक system होता है जिसमें एक judgment pass किया जाता है। ओके, आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए what is assessment and what is evaluation। ओके, तो यहीं पे अपना लेसन हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। सो फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल्स सैनी लर्निंग क्लासेस। भाई वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू टू ऑल।